कर रहे हैं द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आया कंपाउंड का फिज़िकल एग्जिस्टेंस क्या है, ऑर्डर क्या है, इनकी सॉलिबिलिटी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ये सारे एरियाज़ जो होते हैं ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो अभी हमारा जो चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में है, तो सबसे पहले हम इसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आया एल्डिहाइड या कीटोन नेचर में किन किन स्टेट्स में अवेलेबल होता है। तो ऑल आर कलरलेस लिक्विड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है, जबकि कीटोन साइट्स पर तमाम जितने भी कीटोन्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। ऑर्डर के लिहाज से अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को देखें तो तमाम जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, ऑल एल्डिहाइड्स हैविंग पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट का मतलब है अनप्लेजेंट स्मेल जो कि थ्रोट को इरिटेट करती है, और कीटोन्स की स्मेल जो होती है वो प्लेजेंट होती है। तीसरे नंबर पे है बॉइलिंग पॉइंट, हम डिस्कस करते हैं। तो इन दिस केस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज़ हायर एज कम्पेयर टू द अल्केन, वाइल लेस एज कम्पेयर टू द अल्कोहल। इसी फिनामिना को डिस्कस करने के लिए कि आया इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड या कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से क्यों हाई है और अल्कोहल से क्या है, क्यों लो है, इनमें हम टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हैं। चूँकि अल्केन नॉन पोलर है, इसमें टाइप ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। एल्डिहाइड में स्लाइटली पोलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो इनमें टाइप ऑफ अट्रैक्शन जो है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, जबकि अल्कोहल में जो कि थोड़ी सी पोलरिटी उसमें होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, तो टाइप ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या है, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्या होती है, एग्जिस्ट होती है। अच्छा, तो उसी चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर डेटा देखें कि स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं इंटर मालिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द कीटोन। तो यहाँ पर एक मालिक्यूल का पॉजिटिव कार्बोनाइल के एक मालिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप के नेगेटिव एंड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर ये डायपोल डॉटेड लाइन से शो हुआ है, यहाँ पर भी आप इस अट्रैक्शन को देखते हो इस साइट पर भी, तो और ये एंड सो ऑन, ये अट्रैक्शन एंड सो ऑन इंटर मालिक्यूल के दरमियान होता है, और इस किस्म के अट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल का मतलब क्या है कि ये एक डायपोल है, ये दूसरा डायपोल है, और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है तो इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। लेकिन अल्कोहल के केस में अगर हम इंटर मालिकुलर अट्रैक्शन को देखें तो एक अल्कोहल का नेगेटिव एंड दूसरे अल्कोहल के पॉजिटिव एंड इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको डैश लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इस टाइप ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ अट्रैक्शन है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बॉन्डेड होता है, तो इस किस्म के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है और वो अपने ही मॉलिक्यूल में इस किस्म की हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन जो होती है वो क्रिएट करती है। तो इसी अट्रैक्शन के बेस पर हम डिस्कस करते हैं कि ऊपर वाले कीटोनिक केस में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, लोअर अल्कोहलिक केस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है अट्रैक्शन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज कम्पेयर टू द डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो इस अट्रैक्शन के बेस पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर इज कम्पेयर टू द कीटोन या एल्डिहाइड। अच्छा, अभी हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन दोज ऑफ अ नॉन पोलर मालिक्यूल बट लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ अ कंपेरेबल मालिकुलर वेट। कंपेरेबल मालिकुलर वेट यही है कि आप देख रहे हो कि ये ईथेन है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये मिथेनॉल है, इन सब का मालिकुलर वेट सेम है, लेकिन इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, डिफरेंट होती है ऑन द बेस ऑफ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन देम. यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एल्डिहाइड के केस में, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, जबकि अल्कोहल जो कि नॉन पोलर है इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो कि वीक फोर्सेज हैं और ये स्ट्रांगर फोर्सेज हैं. तो इन सब में कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट वाले सब्सटेंसेस इनमें बॉइलिंग पॉइंट जो होगी जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उनकी होगी, जो कि अल्कोहल यहाँ इस कैटेगरी में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है. अच्छा, अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं सॉलिबिलिटी को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सॉलिबिलिटी के बेस पर हम उसको डिस्कस करते हैं कि लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉलिबल इन वाटर, बट अल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर इवन दो दे आर इनकेपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देमसेल्व्स. यानी इसका मतलब यही है कि इनके दरमियान इनमें ये कैपेसिटी नहीं होती कि अल्डिहाइड या कीटोन अपने इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाए, क्योंकि इनमें तो डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है, लेकिन इनकी कैपेसिटी है, इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करे, शो करे. तो लोअर्स वाले यानी वन और टू वाले अल्डिहाइड या कीटोन्स जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन C3 और C6 वाले कार्बन वाले अल्डिहाइड या कीटोन्स जो होते हैं इन पार्शल सॉल्युबल होते हैं, जिसके इसके आगे जितने भी ऑनवर्ड्स आते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं. तो यहाँ पर इस बात को हम क्लियर करते हैं कि जो जो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, कार्बन का चेन इंक्रीज होता है, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये इनका चेन लेंथ वाइज इंक्रीज होता है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि आर ग्रुप जो होता है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर डोमिनेंसी इख्तियार करता है, क्राउडनेस क्रिएट होती है जो कि वाटर की सॉल्युबिलिटी में क्या होती है, हिंड्रेंस क्रिएट होती है. अच्छा, तो यहाँ पर मजीद लाइट डिजॉल्व लाइट को उबे करते हुए लास्ट में हम यही कहेंगे कि ऑल द कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी बेंजीन ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड.